हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट विद साक्षी राज कश्यप। आज से बेटा हम बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। पेंटिंग, मैथ, साइंस, कॉमर्स, बायो तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ये एडिशनल सब्जेक्ट बिल्कुल लास्ट में ही पढ़ते हैं। तो इस सीरीज़ में ही हम सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपके स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनीचर्स पेंटिंग से, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, साहिबुद्दीन वाजे कोटिया पेंटर ऑफ मेबार, नेम द पेंटिंग ऑफ योर कोर्स पेंटेड बाय हिम। साहिबुद्दीन कहाँ के पेंटर थे बेटा? मेबार की, ठीक है। कोटिया पेंटर मतलब दरबारी चित्रकार, जहाँ राजा उनको सैलरी देते थे और अपने अकॉर्डिंग पेंटिंग्स बनवाते थे, ठीक है, उनको हम कोटिया पेंटर बोलते हैं। और आपको पता है बेटा, राजस्थानी स्कूल्स का, राजस्थानी पेंटिंग्स का जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है? आपका मेबाड़ से। मेबाड़ में ही सबसे पहले आपको अप्रंस स्टाइल से अलग पेंटिंग्स मिली थी, सही है, जिसको हमने क्या बोला, राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनीचर्स पेंटिंग, ठीक है। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मारू रागिनी, सेकंड राधा बनी ठनी, सी चौगान प्लेयर्स, डी कृष्णा ऑन स्क्रीन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका बेटा? ए मारू रागिनी। मारू रागिनी जो पेंटिंग है उनके आर्टिस्ट कौन है? साहिबुद्दीन। और वो कहाँ पर थे? मेवाड़ में ये पेंटिंग्स बनी है। सेकंड पेंटिंग इज पेंटिंग भरत मीट्स राम एट चित्रकूट, बास पेंटेड बाय। जब भरत रामचंद्र जी से मिलने चित्रकूट गए थे, ठीक है, जब रामचंद्र जी को वनवास मिला था और उन्होंने अयोध्या छोड़ दी थी, तो उन्होंने कहाँ स्टे किया था? चित्रकूट में स्टे किया था, जहाँ पर उनसे मिलने के लिए, उनको मनाने के लिए, वापस ले जाने के लिए कौन आए थे? भरत। तो उस सीन को जो पेंट किया है वो किसने किया है? आपका ऑप्शन ए दाना, ऑप्शन बी निरुद्दीन, ऑप्शन सी निहाल चंद एंड ऑप्शन डी गुमान। एंड राइट आंसर इज गुमान, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, जब रामचंद्र जी भगवान से कोई मिलेगा और भगवान उसको इतनी इम्पोर्टेंस देंगे भरत को, ठीक है, तो उनको गुमान आएगा ना, एक प्राउड फील होगा ना, तो आप इसी तरह, गुमान का मतलब होता है प्राउड, तो गुमान आर्टिस्ट से भरत मीट्स राम एट चित्रकूट इस पेंटिंग के, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज विच पेंटिंग ऑफ योर सिलेबस इज रिलेटेड टू बीकानेर सब स्कूल ऑफ राजस्थानी स्कूल। राजस्थानी स्कूल में आपके सब स्कूल्स कौन कौन से थे? मेबाड़, मारवाड़, बीकानेर, जयपुर, कोटा, ठीक है। तो बीकानेर जो सब स्कूल था उसकी कौन सी पेंटिंग आपके सिलेबस में है? ऑप्शन ए चौगान प्लेयर, ऑप्शन बी मारू रागिनी, ऑप्शन सी कृष्णा ऑन स्विंग, ऑप्शन डी राधा। एंड राइट आंसर इज कृष्णा ऑन स्विंग, ठीक है। बीकानेर बेटा एक ऐसा सब स्कूल है जिसमें सबसे ज्यादा मुगल आर्टिस्ट आए थे, निरुद्दीन, साहिबुद्दीन, ठीक है, जितने भी दीन थे ना, अली रजा, ये सब कहाँ पर थे? बीकानेर। तो मुस्लिम आर्टिस्ट राजस्थान में जो सबसे ज्यादा थे वो कहाँ पर थे? आपके बीकानेर में। इसीलिए इन यहाँ की जो पेंटिंग्स हैं उनका जो स्टाइल है ना वो मुगल स्टाइल है, मुगल जैसे मुगल्स में पेंटिंग्स बनती थी ऐसे ही आपकी बीकानेर में पेंटिंग्स बनी है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मैनी प्रिंसेस वर शोन इन द पेंटिंग चौगान प्लेयर्स। चौगान प्लेयर आपकी जो पेंटिंग है उसमें कितनी प्रिंसेस हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 8। एंड राइट आंसर इज 6। चौगान बेटा, चौगान को बोलते हैं पोलो, पोलो खेलते हुए प्रिंसेस की पेंटिंग्स हैं जिसमें 6 प्रिंसेस हॉर्स पे बैठी हैं और वो पोलो खेल रही हैं। ऐसे ही आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे भरत मीट्स राम एट चित्रकूट में इस पूरी पेंटिंग्स में कितनी फिगर्स हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो क्राउडेड पेंटिंग है आपकी राजस्थान की वो कौन सी है? भरत मीट्स राम एट चित्रकूट। नाउ चैप्टर नंबर 2, द पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, पहाड़ी पेंटिंग्स का, वो राजस्थानी थी और ये पहाड़ी। फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है बेटा, कृष्णा विद गोपीज इज द मिनिएचर पेंटिंग ऑफ बसौली सब स्कूल इट वाज पेंटेड बाय। कृष्णा विद गोपीज जो मिनिएचर पेंटिंग है आपकी बसौली की, वो किसने पेंट करी थी? ऑप्शन ए निहाल चंद, ऑप्शन बी मनाकू, ऑप्शन सी केशव दास एंड ऑप्शन डी रसिक प्रिया। तो बेटा आप देखो, केशव दास आर्टिस्ट नहीं थे, पोइट थे, ठीक है। रसिक प्रिया क्या है? बुक है जो किसने लिखी थी आपकी? केशव दास ने। तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए, ये आप याद रखिएगा, रसिक प्रिया जो बुक है वो किसकी है? केशव दास की, ठीक है, उन्होंने लिखी थी ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मनकू या मनाकू, आप इसको पढ़ेंगे, मनकू।
इसका राइट आंसर होगा कृष्णविद गोपीज किसने बनाई, मनकू। सेकंड क्वेश्चन, रसिक प्रिया इज ए पोइट्री बुक दैट वाज रिटन बाय, अभी हमने बताया था रसिक प्रिया किसने लिखी थी आपकी, तो इसमें ऑप्शन है नैनसुख मनकू, आपको दोनों पता है कि ये पेंटर थे ना कि आपके पोइट थे। राधा कृष्णा पेंटिंग का नेम है, तो इसमें एक ही ऑप्शन सही हो रहा है आपका, केशव दास। ठीक है, रसिक प्रिया इज ए पोइट्री बुक दैट वाज रिटन बाय केशव दास। थर्ड क्वेश्चन इज, नैनसुख वाज ए पेंटर ऑफ कांगड़ा सब स्कूल, हिज क्रिएशन इज नोन एज, नैनसुख जो थे कांगड़ा सब स्कूल के जो पेंटर थे उनकी कौन सी क्रिएशन मतलब कृति कलाकृति है, कौन सी है? फर्स्ट है कृष्णविद गोपी, बी ही रांझा, सी शशि पुन्नो, डी नंद यशोदा एंड कृष्णविद किंसमिन गोइंग टू वृंदावन। तो देखो बेटा, कृष्णा एंड गोपीज के जो आर्टिस्ट थे वो थे मनकू, एंड सेकंड आपकी आपकी इसी में टू, इस चैप्टर में आपकी टू पेंटिंग्स हैं, बची कौन सी? नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंसमिन गोइंग टू वृंदावन, तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन इज, विच वन इज नोन एज द सब स्कूल ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, पहाड़ी स्कूल का जो सब स्कूल कौन सा नहीं था? ऑप्शन है ए बसौली, ऑप्शन बी गुलेर, ऑप्शन सी किशनगढ़ एंड ऑप्शन डी कांगड़ा। तो देखो बेटा, बसौली गुलेर एंड कांगड़ा जो हैं वो आपके पहाड़ी थे, किशनगढ़ कहाँ का है आपका? राजस्थान का। यहाँ की फेमस पेंटिंग कौन सी आपकी? राधा बनीठनी। किशनगढ़ की फेमस पेंटिंग राधा बनीठनी है, जो किसने बनाई थी? निहाल चंद ने बनाई थी। तो ये राजस्थान का सब स्कूल है ना कि आपका पहाड़ी का, एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी किशनगढ़। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कांगड़ा स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वाज एन ओपेक्स ऑफ इट्स एक्सीलेंस इन द रीजन ऑफ द किंग। कांगड़ा की जो पेंटिंग्स थी वो किस टाइम पर, कौन से राजा के टाइम पर अपने पीक पर थी? ऑप्शन नंबर ए संसारचंद, ऑप्शन नंबर बी केशवदास, ऑप्शन नंबर सी मनकू एंड ऑप्शन नंबर डी नैनसुख। एंड राइट आंसर इज संसारचंद। संसारचंद के टाइम पर कांगड़ा, जिस तरीके से आपका राजस्थान में किशनगढ़ सब स्कूल है वहाँ पर बनी ठनी की पेंटिंग्स बनी, ऐसे ही कांगड़ा में बहुत सारी आपकी फीमेल्स पेंटिंग बनी, बहुत सुंदर सुंदर फीमेल पेंटिंग बनी है, इसीलिए आपका कांगड़ा फेमस है पहाड़ी में। और इसको किसने सपोर्ट किया था? आपका संसार चंद, जो राजा वहाँ पर उस टाइम पर थे, किंग संसार चंद, उनका सपोर्ट यहाँ पर था, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया उन्होंने पेंटिंग्स में। ओके, सो ये थे आपके बेटा फर्स्ट यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे, अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ बेटा एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल्स।